ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट लेक्चर है हम लोगों का डीएलडी का। हमने इसमें कंक्लूड करना है। सिक्वेंशियल को हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर लेक्चर का वो है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? फ्लिप फ्लॉप आपको जैसे मैंने बताया था कि वो एक वक्त में एक बिट स्टोर करता है, तो ज़ाहिर आपने एक बिट तो स्टोर नहीं करानी, आपने एक से ज़्यादा बिट्स भी स्टोर करानी है। आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो ज़ाहिर उसके लिए आपको ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जब आप ढेर सारे फ्लिप फ्लॉप्स को आपस में ग्रुप कर देते हैं तो आप बेसिकली एक रजिस्टर बना लेते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपने एन बिट रजिस्टर की बात करते हैं, तो एन बिट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसके अंदर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे और उसमें आप एन बिट्स स्टोर करा सकेंगे। अब रजिस्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। रजिस्टर्स के अंदर बेसिकली डाटा आप एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, डाटा को लोड कर रहे होते हैं, उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं, सीरियल लोडिंग हो रही होती है, पैरेलल लोडिंग हो रही होती है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो मेन हमारा फोकस है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स के ऊपर। ये रजिस्टर्स की एक टाइप है और इनको शिफ्ट रजिस्टर्स इस वजह से कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं उसमें क्या, उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो आप एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप के अंदर डाटा को शिफ्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इसलिए इनको शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है। अब शिफ्ट रजिस्टर्स के चार मेन मोड्स हैं। सबसे पहला है सीरियल इन पैरेलल आउट, फिर दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा है पैरेलल इन सीरियल आउट, और चौथा है पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सीरियल इन सीरियल आउट को देखते हैं। सीरियल इन सीरियल आउट में ये आपके सामने मेरे पास एक रजिस्टर के लिए बना हुआ है जिसमें हमने डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल की है और इसमें मेरे पास चार इनपुट्स हैं। अब यहाँ से आप इनपुट देंगे और जैसे ही आप यहाँ से इनपुट देंगे, ये देखिए वो मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट किस तरह से आ गया कि जो इसकी इनपुट है वो इसके आउटपुट पे डिपेंड कर रही है, इसी तरह जो इसकी इनपुट है वो इसके आउटपुट पे, जो इसकी इनपुट है वो इसके आउटपुट पे डिपेंड कर रही है। और आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप या तो क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर चल रहे हैं या नेगेटिव एज के ऊपर चल रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर जो कि एक शिफ्ट रजिस्टर है आपके पास, इसमें आपने डाटा लोड करवाना है 1111। इनिशियली जब आप इसको शुरू करेंगे तो इसमें डाटा होगा 0000, राइट? तो अब जब आप यहाँ पे वैल्यू देंगे 1 और इसकी पसंद का क्लॉक आएगा तो वो वैल्यू इसमें स्टोर होकर यहाँ आउटपुट पे आ जाएगी और अब यहाँ पे आएगी, राइट? बाकी तीनों में क्या वैल्यू होगी? अभी 0 होगी। फिर जब नेक्स्ट क्लॉक का पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे जो 1 पड़ा हुआ था वो अभी अपने अंदर स्टोर करा के आउटपुट के ऊपर दे देगा, यहाँ पे साथ ही अब दूसरा 1 इनपुट दे दें, राइट? यानी आपने 1111 स्टोर कराना था, तो सबसे पहले जब आपने 1 दिया वो यहाँ पे आया, बाकी सब में 0। अब वो 1 यहाँ पे आ गया, जब नेक्स्ट क्लॉक का पॉजिटिव आ जाएगा आप यहाँ पे दोबारा इनपुट 1 दें, वो इनपुट यहाँ पे आपको आउटपुट पे आएगी, और इसी तरह जो यहाँ पे 1 था वो आप इसमें स्टोर होकर यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो अब डाटा क्या हो जाएगा? 1100। इसी तरह से फिर जब नेक्स्ट क्लॉक का तीसरा एज जाएगा और आप फिर जब यहाँ पे 1 देंगे तो आप इसकी जो आउटपुट थी 1 वो इसको इनपुट मिलेगी और ये अपने अंदर 1 स्टोर करा के आउटपुट पे देगा और डाटा बन जाएगा 1110। और उसी तरह जब चौथा क्लॉक का आ जाएगा और आप यहाँ पे दोबारा 1 देंगे तो ये तीनों 1 उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं, जो यहाँ पे 1 था वो आप ये इनपुट पे देगा और यहाँ पे आपको आउटपुट पे अगला 1 भी मिल जाएगा, क्लियर? तो सीरियल इन सीरियल आउट में क्या है कि सीरियल, जैसे आपको पता है कि एक सीक्वेंस से एक साइड से आप देना शुरू करते हैं और फिर आपको यहाँ से आउटपुट मिल रही है, तो चार क्लॉक्स आपके लगेंगे तब आप चार बिट्स को स्टोर करा सकेंगे। वही ऑपरेशन यहाँ पे 1 by 1 बताया हुआ भी है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 आया, बाकी तीनों में 0, फिर नेक्स्ट क्लॉक के एज में यहाँ पे भी 1 आ गया, बाकी तीनों पे 0, फिर नेक्स्ट क्लॉक के एज में यहाँ पे 1 आ गया, इधर 0, और फिर लास्ट क्लॉक के अंदर चारों में 1 आ जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल उसी तरह कि जब आपने शुरू किया तो इनिशियली सब में 0 था, जब आपने यहाँ पे इनपुट 1 दी तो इसके आउटपुट 1 हो गई, बाकी तीनों 0। फिर अगले क्लॉक एज पे जब दोबारा इनपुट 1 दी तो अब ये वाली इनपुट दूसरे की आउटपुट बन गई है, बाकी दोनों भी 0 है। फिर इसी तरह जब तीसरा क्लॉक आएगा तो जो ये वाली इनपुट थी अभी इसकी आउटपुट बन जाएगी और ये 0, और फिर इसी तरह चौथे वाले क्लॉक के अंदर चारों को वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये एक सिंपल था सीरियल इन सीरियल आउट, यानी आप सीरियल इनपुट दे रहे हैं और सीरियल ही आउटपुट ले रहे हैं 1 by 1। ये वही है वेव फॉर्म की सूरत में कि सबसे पहले क्लॉक पे 0 था, फिर नेक्स्ट टाइम 1 आया, फिर अगला 1 आया, फिर अगला 1 आया, फिर अगला 1 आ गया, राइट? ओके, दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन में भी आप सीरियल इनपुट देंगे, यानी एक एक करके इनपुट देंगे, आउटपुट आप पैरेलल ले सकते हैं वक्त में चारों में से किसी में भी, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये भी क्लॉक के चार एजेस ही लेते हैं क्योंकि इनपुट सीरियल है, तो जब तक
चारों में कोई ना कोई वैल्यू लोड भी हो जाएगी, यानी चार क्लॉक साइकिल्स नहीं गुजरेंगे तब तक आपको आउटपुट शो नहीं होगी, तो लगेंगे चार साइकिल। अभी किस तरह से देखें, ये आपके पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है, सीरियल इनपुट और आउटपुट आप पैरेलल ले रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है क्लॉक के पहले एज में यहाँ पे वैल्यू स्टोर होकर आएगी, दूसरे एज में यहाँ पे आएगी, तीसरे में यहाँ पे आएगी, चौथे में यहाँ पे आएगी, क्योंकि मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है तो टाइम उतना ही लग जाएगा। हाँ, जब वंस चार क्लॉक साइकिल्स गुजर जाएंगे उसके बाद आप इन चारों वैल्यूज को एट ए टाइम इकट्ठा देख सकते हैं किधर आपको क्या क्या मिला है। फिर तीसरा है हमारे पास पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट में आपके पास जी, अब जो अगला है वो है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट में आप इनपुट पैरेलल दे रहे होते हैं और आउटपुट आप सीरियल ले रहे होते हैं, यानी एक साइड से लेंगे। अब इसके दो मोड्स हैं ऑपरेशन के, एक होता है लोड मोड और एक होता है शिफ्ट मोड। वो देखते हैं कि दोनों मोड्स किस तरह से काम करते हैं, यानी लोडिंग आप पैरेलल करेंगे और सीरियल आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास है इसकी डायग्राम। जब आप यहाँ पे शिफ्ट और लोड मोड के ऊपर वैल्यू देंगे जीरो, तो वो नॉट होके वन हो जाएगी, लोड मोड एक्टिव हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप देखें, यहाँ पे वैल्यू वन आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू वन आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू वन हो जाएगी, यानी टू फोर और सिक्स आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। तो इनसे एसोसिएटेड जो वैल्यूज हैं, बी नॉट तो डायरेक्ट यहाँ पे आ रही है, बी वन, बी टू और बी थ्री, वो डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, तो ये आपके पास पैरेलल लोडिंग हो जाएगी, राइट। जो दूसरा मोड है दैट इज शिफ्ट मोड, यानी जब आप यहाँ पे इनपुट वन देंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो के हिसाब से टू फोर और सिक्स जो एंड गेट्स हैं वो तो इनएक्टिव हो जाएंगे हमारे पास। अलबत्ता इसको वन करने से हमारे पास वन, थ्री और फाइव एक्टिव हो जाएंगे। तो अब ये हमारे पास सीरियल शिफ्टिंग होगी। किस तरह से होगी, यहाँ पे आपकी सबसे पहली इनपुट आ रही है, वो इनपुट यहाँ से आएगी, इसकी आउटपुट ये जा रही है, इसको वैल्यू वन मिल रही है तो ज़ाहिर ये एंड गेट वन है, इसकी तो वैल्यू जीरो है, यहाँ से वैल्यू इसमें आएगी। फिर इसी तरह अगले क्लॉक में इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे आएगी और आगे जाएगी, फिर अगले क्लॉक में इसकी जो आउटपुट है वो इसको इनपुट वन के आगे जाएगी। तो जब आप यहाँ पे शिफ्ट और लोड मोड के ऊपर वैल्यू वन देंगे तो फिर ये शिफ्ट करेगा वन बाय वन सीरियल, और इसी तरह से जब आप इसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू देंगे जीरो तो जीरो के वन हो जाएगा और ये पैरेलल लोडिंग कर देगा इनपुट्स। फिर इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन पैरेलल आउट में इनपुट भी पैरेलल है और आउटपुट भी पैरेलल है, यानी एक ही क्लॉक साइकिल के ऊपर आप सब में इकट्ठे इनपुट दें और उनमें वैल्यू स्टोर होकर आपको आउटपुट मिल जाएगी, आपको चार क्लॉक्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स को।